इंदौर में तेजी से फैलती कोरोना महामारी की चपेट में अब पुलिसकर्मी भी लगातार आ रहे हैं, जिसके चलते जल्द ही पुलिस कोविड सेंटर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। दरअसल इंदौर में जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस जवान दिन रात निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। इंदौर पुलिस विभाग में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में DRP लाइन में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां 16 ऑक्सीजन बेड के साथ संक्रमित पुलिसकर्मियों को एडमिट कर उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही होम आइसोलेट मरीजों को भी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा उक्त कोविड केयर सेंटर को 50 बेड क्षमता बनाने की बात कही थी। हालांकि इंदौर DIG मनीष कपूरिया के अनुसार बेड क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 16 ऑक्सीजन बेड की क्षमता के साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। दरअसल तेजी से फैलती कोरोना महामारी के चलते इंदौर शहर के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, जिसके चलते पुलिस लाइन में कोविड सेंटर बनाया गया है। लेकिन बढ़ते मरीजों को लेकर अब इसकी क्षमता बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। उसको 50 बेड हॉस्पिटल बनाने के लिए अभी पूरा प्रस्ताव तैयार होगा और फिर समय के साथ उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा स्टाफ का अधिकांश का लगभग 90-95% लोगों का टीकाकरण हो चुका है और इतने बड़े उसमें अभी आज की तारीख में भी संक्रमण का हमारा प्रतिशत बहुत कम है पुलिस का, ये एक जबकि वो बहुत अधिक एक्सपोज्ड हैं। हमारे स्टाफ के लोग सतत रूप से फ्रंट लाइन पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये एक संतोष की बात है कि उनका संक्रमण का प्रतिशत कम है। और जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान, यदि उनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो जो बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है वो उनको उपलब्ध हम करा रहे हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।